हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपमा और अनुपम फूड चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज अपने वीडियो में बेसन की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनाने वाली हूं। बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए एक कटोरी बेसन ले ली हूं। इसे एक बार बड़े बॉल में डाल दे रही हूँ। इसमें आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इन सब को डालकर अच्छे से मिला ले रही हूँ। अब इस कटोरी से बेसन ली थी, उसी कटोरी से 2.5 कप पानी इसमें ऐड करूँगी। 1 कप कटोरी में हमें 2.5 कटोरी पानी यूज़ करके इसका एक पतला बैटर तैयार कर लेना है। तो पतला बैटर बनाने के लिए पहले तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे तैयार करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। मैं थोड़ा पानी ऐड कर दे रही हूँ। इस तरह से इसका एक स्मूथ पतला बैटर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाइए ताकि इसमें कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। एक कटोरी पानी यूज कर ली हूँ और 1-2 कटोरी हो गए, 1/2 कटोरी और डाल दे रही हूँ इसमें। 2 कटोरी पानी ऐड कर चुकी थी, 1/2 कटोरी इसमें और पानी डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें पतला बैटर चाहिए बेसन का। अब एक कढ़ाई गैस पर रख कढ़ाई गर्म कर ले रही हूँ। इसमें 1 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इस तैयार बेसन के बैटर को इसमें डाल दूंगी और इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें इस बैटर को डाल दे रही हूँ और इसे लगातार चलाते हुए इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना लूंगी। इस तरह से देखिए, 2 मिनट में ही बेसन हमारा गाढ़ा हो गया है पूरी तरह से। इसे और अच्छी तरह से थोड़ा सा सुखा ले रही हूँ। बस इसी तरह का बैटर हमें पेस्ट बनाना है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब एक प्लेट में थोड़ा सा तेल चारों तरफ अच्छे से लगा ली हूँ और इस पेस्ट को इसमें डाल देती हूँ। बेसन को प्लेट में निकाल कर इसे अच्छे से फैला ली हूँ। इसे बहुत पतला हमें नहीं फैलाना है, थोड़ा मोटा ही रखी हूँ। अब इसे ठंडा होने देती हूँ। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक इसके मसाले की ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छिलकर रफली काट ली हूँ। 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर है, उसे भी रफली काट करके ले ली हूँ छोटे टुकड़ों में। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, इसे छील कर ले ली हूँ। और 4 हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। अब इन सबको एक मिक्सी जार में डालकर इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। सब चीज़ों को मिलाकर बारीक पेस्ट तैयार कर ली हूँ। चलिए अब ग्रेवी बना लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई गैस पर रख कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमारा हाई ही है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच
तेल डाल दे रही हूँ और तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल जब गर्म हो जाए तब इन तैयार पेस्ट को टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च इन सबको मिलाकर जो पेस्ट तैयार की थी उसे इस में डाल दे रही हूँ। तेल मसालों को डालते समय गैस का फ्लेम हमेशा लो कर दीजिए, नहीं तो मसाले आपके ऊपर छिटकेंगे। सारे मसालों को इसमें डाल दी हूँ। अब गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर इन मसालों को अच्छे से भून ले रही हूँ। मसालों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। हमें इन मसालों को इतना भूनना है कि ताकि इसका कच्चापन, जो प्याज लहसुन अदरक है उसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए। अब गैस का फ्लेम लो कर बाकी मसाले ऐड कर देती हूँ। आप छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चूँकि हरी मिर्च मैं अच्छे से दे चुकी हूँ इसलिए लाल मिर्च नहीं डाली हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो लाल मिर्च आप ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर। ये मसाला मैं घर में ही तैयार की हूँ, जिसका वीडियो आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकती हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छे से भून जाए। गैस का फ्लेम मीडियम कर इन मसालों को अच्छे से फिर से एक बार भून लेती हूँ। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। इन मसालों को हमें इतना भूनना है ताकि जिससे कि मसालों से ऑयल रिलीज होने लगे और इसमें एक अच्छा सा सोना सुगंध आने लगे। ये देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें 1 कटोरी पानी डाल दे रही हूँ। आप जिस क्वांटिटी में ग्रेवी चाहती हैं उस क्वांटिटी में इसमें पानी ऐड कर दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम कर दे रही हूँ। और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी को पका लूँगी। उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। ग्रेवी जब तक हमारी तैयार हो रही है तब तक एक दूसरे कढ़ाई में बेसन को भून लेती हूँ। जो वैसे बेसन को तैयार करके रखी थी उसे कट करके भून ले रही हूँ। एक कढ़ाई गैस पर रख दी हूँ, गैस का फ्लेम मीडियम कर देती हूँ। और इसमें 1 चम्मच तेल डाल दे रही हूँ। मैं सेलो फ्राई ही बनाऊँगी, आप चाहे तो उसे डीप फ्राई करके भी बना सकती हैं। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है इसे कट कर लेती हूँ। यह अब अच्छे से ठंडा हो गया है बेसन को जो तैयार करके रखी थी। इसे आप जिस शेप में चाहे काट सकती हैं और जितने बड़े साइज चाहे में चाहे आप उस साइज में कट कर सकती हैं। तो मैं थोड़े छोटे साइज में ही इसे कट कर रही हूँ, स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। इस तरह से सारों को कट कर लेती हूँ। सारों को अच्छे से कट कर ली हूँ। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा सॉफ्ट बना है बेसन। इस तरह से अगर आप सब्जी बनाती हैं तो आपका सब्जी भी काफ़ी टेस्टी बनेगा और काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। तेल जो गर्म किए थे उसमें इसको डालकर हल्का भून लेती हूँ। आप चाहे तो इसको अलग अलग डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन उसमें तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है इसलिए मैं हल्का सेलो फ्राई करके ही बना रही हूँ। चलिए इसे हल्का भून ले रही हूँ अच्छे से। बेसन की चटनी हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। बेसन की चटनी को भी अच्छे से भून ली हूँ, भून कर निकाल ली हूँ प्लेट में। अब इसमें इसे डाल दे रही हूँ ग्रेवी में।
बेसन की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। और इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। आप चाहे तो 2 मिनट ढककर प्लेट में ग्रेवी को छोड़ दीजिए, ताकि अच्छे से बेसन में ग्रेवी जा सके। ये देखिए हमारी बेसन की सब्जी बनकर तैयार है। इसे थोड़े से धनिया पत्ती से गार्निश कर दे रही हूँ। बेसन की लाजवाब सब्जी हमारी बनकर तैयार है। प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करें, खाएं और खिलाएं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद।